हेलो दोस्तों, नमस्ते। सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज हम अचारी करेले बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अचारी करेला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा केजी करेले लिए हैं। इनमें कुछ करेले तो छोटे हैं और कुछ मीडियम साइज़ के हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप छोटे करेले लें, वैसे आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हो। करेलों को हमने अच्छे से धो लिया था, पानी सुखा लिया है। अब एक करेला लेंगे, इसके आगे पीछे के डंठलों को काट लेंगे और इसी तरह से सभी करेलों के डंठलों को काट लेंगे। हमने सभी के डंठल काट लिए हैं। अब एक करेला लेंगे और इसको आलू छीलने वाले चाकू से हम छील लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आसानी से छिल रहा है। हमने करेले को छील लिया है। अब इसमें हम चीरा लगा लेंगे। ऊपर नीचे का हिस्सा जोड़ा रहने देंगे और बीच बीच में चीरा लगा लेंगे और इसके बीजों को बाहर निकाल लेंगे। पके हुए बीज हैं उनको अलग कर लेंगे और कच्चे हैं उनको एक साइड में रख देंगे। इसी तरह से हम सभी करेलों को छील कर बीज निकाल कर तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं, हमने सभी करेलों को छील कर इनके बीज निकाल लिए हैं। ये पके हुए हैं जो हमने अलग कर दिए हैं, बाकी की ये हमने रख लिए हैं। अब इनको करेले के छिलके के साथ रख देंगे। अब ये करेले के छिलके और बीज हैं, इनको एक साथ करके इनमें एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक को करेले के छिलके और बीज में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के से मसलते हुए मिक्स करेंगे। हमने इसमें नमक मिक्स कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। हमने एक चम्मच नमक और ले लिया है, इसे हम करेलों पर डालेंगे और अंदर भी डालेंगे और बाहर भी डालेंगे। नमक को अच्छे से करेले के ऊपर मस लेंगे और अंदर डाल के उंगली अंगूठे से मसल लेंगे, यानी कि करेले के चारों तरफ हम नमक डालकर मसल लेंगे। करेले में नमक इस तरह से अच्छे से मसलना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। चारों तरफ अच्छे से नमक लगा लें और लगा कर अब इन्हें हम एक बाउल में डाल लेते हैं। बाउल में डालकर करेलों के ऊपर एक चम्मच नमक और डाल देंगे। बाउल से उछालकर करेलों में नमक को मिक्स कर देंगे। एक ढक्कन से ढककर इसको रख देंगे आधे से एक घंटे के लिए। आपके पास समय है तो आप और भी ज़्यादा रख सकते हो। अब ऐसे ही छिलके और बीजों को लेंगे, इनको भी एक बाउल में डालेंगे, इनको भी ढककर रख देंगे। तब तक हम करेले के लिए और तैयारी करते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है गैस पर। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे दो बड़े चम्मच सौंफ, नॉर्मल वाली, जिसे हम खाना खाने में यूज में लेते हैं। और अब इसमें डाल देंगे जीरा दो बड़ा चम्मच और जीरे के साथ ही डाल देंगे एक बड़ा चम्मच राई। राई आप काली की जगह पीली भी ले सकते हो और मोटी बारीक इसमें से कोई सी भी ले सकते हो। इन सबको लगभग एक मिनट तक भून लेंगे। हमने इन सभी को एक मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी चम्मच अजवाइन। इसे मसालों के साथ भून लेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और अब डाल देंगे एक चौथाई चम्मच कलौंजी, जिसे मगरेला भी कहा जाता है। इन सभी मसालों को हम दो मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। इन मसालों को भूनते हुए दो मिनट हो गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन मसालों को प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर से चलते हैं गैस की तरफ। इसी कढ़ाई को वापस से गैस पर रख लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच बेसन। बेसन हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। बेसन को एकदम लो फ्लेम पर भूनना है ताकि बेसन जले नहीं। बेसन को भूनने में 3 मिनट का समय लग जाता है। हमारे बेसन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गई हैं। बेसन हल्का गुलाबी हो गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम बेसन को कढ़ाई से थाली में निकाल लेंगे और फैला देंगे। और अब हम बेसन में पिसा हुआ एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। जो हमने मसाले भून के रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। अब उनको हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालकर इनको दरदरा पीस लेंगे।
इनको बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। हमारे मसाले दरदरे हो गए हैं, अब हम इनको डाल देंगे बेसन में और मिक्स कर देंगे। अब इस प्लेट को हम साइड में रखेंगे। हमारे करेलों को रखे हुए आधा से पौना घंटा हो गया है। आप देख रहे हैं हमारे करेलों में से काफ़ी अच्छे से पानी छूट गया है। अब इनको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। करेला लेकर मुट्ठी बांधकर निचोड़ देंगे। आप देख रहे हैं कितना सारा पानी निकल रहा है हमारे करेले का। इस तरह से निचोड़ने से करेलों का कड़वापन निकल जाता है और इनको निचोड़कर हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों को निचोड़कर प्लेट में रख लेंगे। हमने सारे करेलों को निचोड़कर प्लेट में रख लिया है। आप देख रहे हैं हमारे करेले से कितना पानी निकला है, इसे हम हटा देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें हम करेलों को स्टीम करेंगे। हमारे पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे। आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई कटोरी या कुछ और भी रख सकते हो। स्टैंड के ऊपर एक जाली रखेंगे और जाली पर हम हमारे करेलों को सेट करेंगे। हमने सारे करेले जाली पर रख दिए हैं। अब इनको ढककर 5 मिनट तक स्टीम होने देंगे। तो हमने जो छिलके और बीज रखे थे उनको भी इसी तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर इनको भी हम प्लेट में रख लेंगे। इनको भी हमने सभी को निचोड़ लिया है। इनके पानी को भी हटा देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमारे करेलों को स्टीम होते हुए 5 मिनट हो गई है। ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएंगे। अब इनको ठंडा होने देते हैं और फिर से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। करेलों के लिए सरसों के तेल का ही यूज करना चाहिए। करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा और साथ ही डाल देंगे 1 से 2 पिंच हींग। हींग और जीरे को अच्छे से भून लेंगे और अब हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ और अब डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कुटी हुई। और लहसुन और अदरक को अच्छे से भून लेंगे। अब इनकी जगह लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें डालकर अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गई हैं और हमारे प्याज हल्के से गोल्डन भी हो गए हैं। अब हम डाल देंगे करेले के छिलके और बीज को और प्याज के साथ करेले के छिलकों को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे प्याज और छिलके अच्छे से भुन गए हैं। अब इस तरह से ऑयल में करेले के छिलकों को भून लेते हैं तो इनकी कड़वाहट हट जाती है, बिल्कुल भी कड़वी सब्जी नहीं बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्ची कम खाते हो तो कम डाल लीजिए। हरी मिर्ची को भी अच्छे से हमने भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, अब डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अब डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे भरकर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जो हमने मसाले दरदरे करके बेसन में मिला के रखे हुए हैं उनको इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 चम्मच और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयलों में भरने के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस से हटा लेंगे और प्लेट में डालकर ठंडा करेंगे। इसको हल्का सा ठंडा होगा तब हम हमारे करेलों में भरेंगे। अब हमारे करेले भी ठंडे हो गए हैं और हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम करेलों में भर लेते हैं। एक करेला लेंगे और इस तरह से दबा दबा कर करेले में मसाला भर देंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों में मसाला भरेंगे। अब हमने सारे करेले भर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने
पैन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक एक करके सारे करेले पैन में रख देंगे और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे सभी करेलों के ऊपर। हल्दी पाउडर से करेलों का कलर अच्छा आएगा और नमक की वजह से करेले ऊपर से फीके फीके नहीं लगेंगे। और करेलों को ढक देंगे, हर 2 मिनट में करेलों को पलटते रहेंगे। हमारे करेलों को पकते हुए 2 मिनट हो गई हैं, अब इन्हें हम पलट देंगे। हमने सभी करेलों को पलट दिया है, अब इन्हें हम फिर से ढक देंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 बार इनको पलट देंगे। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते तब तक इसी तरह से हर 2 मिनट में चलाते रहेंगे। हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। वैसे तो हमारे करेले पके हुए हैं, परंतु इनमें अच्छा सा कलर लाने के लिए इनको सैलो फ्राई करेंगे। अब हमारे करेले अच्छे से सैलो फ्राई हो गए हैं और लीजिए हमारे भरवा अचारी करेले तैयार हैं। करेले बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये करेले की सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए। और एक बार आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। धन्यवाद।